अरे वाह, आज मिठाई कहाँ से आ गई घर पे? अरे राशिद ने भेजी है, वो गुड़िया की तारीख तय हो गई है। क्या मतलब शादी की तारीख पक्की हो गई? मामू ने तो कहा था कि सिर्फ गुड़िया की मंगनी करेंगे, शादी कहाँ से बीच में आ गई? भाई वो राफिया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आसान की शादी जल्दी करना चाह रही है। चाहती है कि घर में बहू आ जाए। कल क्या घास चरने गई है माऊ की? अभी वो पढ़ रहा है, उसकी कोई नौकरी नहीं है, और शादी करेंगे और एक मैं ही उनकी नजर में बेकार आदमी हूँ। ऐसा मेरी बात तो सुनो, ऐसा क्या हो गया इस लड़के, या अल्लाह रहम करना, कुछ उल्टा सीधा ना कर लिए। बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुम्हें अपनी इस खुशी की। तुम गुड़िया को मुझसे छीन नहीं सकते, ये जंग तुम्हारे और मेरे बीच में, और मैं हथियार डालने वालों में से नहीं हूं। वालेकुम सलाम राशिद भाई, क्या हाल है आपके? अरे ये तो कमाल हो गया, आपकी गुड़िया की शादी हमारी लारेब से पहले हो रही है, उससे ज्यादा खुशी की क्या बात है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं और गना मिलके ना सब कुछ संभाल लूंगी। अरे क्यों नहीं, आपकी अपनी बेटी है, 2 हफ्ते पहले से रुकने आ जाएगी, बहन भी कहते हैं और फिर पूछ भी रहे। अरे आप जो भी जिम्मेदारी अपनी बहन को देंगे ना, वो बखूबी संभाल लेगी, बस आप बेफिक्र हो जाए, यूं समझे कि मेरे अपने घर की शादी। ख्याल रखिएगा अपना, खुदा हाफिज भाई। अरे भाई लारेब शफक इधर आओ जल्दी से। हाँ, क्या हुआ? क्या कह रहे थे अबू, गुड़िया भी की शादी होने वाली है? हाँ, मंगनी के बजाय वो लोग शादी कर रहे हैं। लेकिन क्यों, इतनी जल्दी क्यों? राफिया बहन की ख्वाहिश है, और वैसे भी बेटियां जितने जल्दी अपनी घर की हो जाए अच्छा हो। सिद्रा आपी को पता चला तो कितना खुश होंगी वो। सिद्रा आपी और मिनाहिल आपी एक बार बाजार से आ जाए, आज तक उनको एक खुशखबरी सुनाऊंगी। कोई फायदा नहीं है सिद्रा को कुछ भी बताने, आजकल उसे किसी बात की खुशी ही नहीं होती, पता नहीं कौन से ख्यालों में गुम रहते। क्यों बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है सिद्रा को? अरे अम्मी छोड़े, ये बताए हम कब जा रहे हैं उनके घर? हम बहुत जल्द जा रहे हैं, और मेरी बेटियां मिलके ना सारी तैयारी करवाएंगी मेरे साथ। अब जूस निकाल के दो। Thank you.
राशिद साहब, फिलहाल तो आपका घर महफूज है, लेकिन एक पुरस्कार ताकत है जो इस घर में दाखिल होना चाहती है। क्यों, किस लिए, ये मुझे अभी नहीं मालूम, लेकिन इस घर में किसी शख्स के पीछे है। क्या मकसद है, क्या चाहता है, ये मुझे नहीं मालूम। कुछ बातें महसूस की हैं मैंने आज, लेकिन मुझे अपना शक दूर करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। और उसके लिए एक खास अमल करना होगा। लेकिन दलाल, ये पुरस्कार वाक्य दिन इन सबके साथ क्यों हो रहे? सब पता चल जाए। एक बार मुझे ये अपना अमल मुकम्मल कर लेने दीजिए, सब पता चल जाए। आपके घर में जितने भी अफराद हैं और उन सब के इस्तेमाल में जो कुछ भी चीजें, उनमें से मुझे कोई एक एक चीज ला दें। बुढ़िया आप ही, हमारे घर में कोई आसेब है क्या? सब इतनी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। आसेब है या कोई गैबी मखलूक? कुछ तो है जो हमें अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला रहा है। मुझे तो लगता है आप लोग तो सिर्फ एक वहम के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे साथ कोई खौफनाक वाकया नहीं हुआ ना, मैंने और गुड़िया दोनों ने महसूस किया है सुपरनैचुरल फोर्स को। हाँ, से बहुत से वाकयात और सी भयानक शक्लें जो शायद मैं तुम लोग को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। माँ, आप सब ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे रात को नींद नहीं आएगी। अब उस आमिल ने ये भी कहा था कि इस घर में कुछ नहीं है तो तुम आयतल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ। मैं पहली दफा जब तलाल से मिली थी ना, उसकी बातों ने मुझे चौंका दिया था। नाबीना होके भी सब कुछ देख लेता है, कमाल है। बाज़ दफ़ा किसी एक चीज़ की महरूमी इंसान को और बहुत सी खूबियों से नवाज देती है। खुद को आम से ख़ास बनाने की जद्दोजहद कभी रायगा नहीं जाती। भाई, मेरा ये ख्याल है इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं, सुबह बात करेंगे इस बारे में, वरना मुझे भी लाइबा की तरह नींद नहीं आनी। मैं चलता हूँ अपने कमरे में, गुड नाइट। चले, मैं भी सोती हूँ, गुड नाइट। हम भी सोए। अच्छा,
गुड़िया हसन की जीवन साथी बनने जा रही है, उसे उसकी खुशियां मिल गई हैं, उसके अरमान उसके ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं, और मुझे क्या मिला? अपने ख्वाबों की किर्चियां जो मेरे आंखों में गड़ गई हैं। कितनी खुशकिस्मत है गुड़िया, हसन के नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगाएगी, उसके नाम का आंचल उड़ेगी। क्या हुआ? अरे इधर बैठो, बैठो इधर। पवन मुझ आ गई है मेरे, यार कितनी बार तुम्हें कहा है, आराम से चला कर, लेकिन नहीं, ज्यादा लगी तो नहीं। अब यहां से ना डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएंगे हम। ख्याल रखा करो यार अपना, पेन तो नहीं हो रही? कहाँ चले गए सिद्रा? सिद्रा तुम यहां बैठी हो, मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी। अम्मी तुम्हें कमरे में बुला रही है। जी मैं आती हूँ। ओके नसीब में सिर्फ रोना ही है। क्यों मैंने उसको अपने दिल में बिठाया? क्यों ऐसी ख्वाहिश रखी मैंने जिसका हुसूल नामुमकिन है? जानती भी थी कि तुम किसी और की होने जा रहे हो, फिर भी अपने दिल की बात बता दी तुम्हें, कुछ तो भरम लगती ना। अरे विघना बहन, आज तो आपने बच्चों की पसंद का खाना बनाया। वैसे तो ये हम सबका ही फेवरेट मेन्यू है। भाई जो बच्चों को पसंद वो हमारी पसंद। अना आंटी आप भूल रही हैं, बाबा को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। शारिक ये तुम बाबा की पसंद बता रहे हो या अपनी? बाबा शारिक अपनी पसंद बता रहे हैं। जरा सा पड़ता है तो शोर मचाने लग जाता है। मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। भाई गाजर का हलवा तो वाकई मुझे पसंद है, तो फिर एक काम करते हैं, कल गाजर का हलवा बनेगा। बिल्कुल हाँ ठीक है। धना आंटी मुझे भी सिखा दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सिखाऊंगी। हाँ बेचारी राफिया आंटी, ये बात तो उनके सर पे बम की तरह फटेगी कि उनकी बहू को कुछ बनाना ही नहीं आता। शारिक बुरी बात, बहन को ऐसे तंग नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता हमारी गुड़िया सब सीख जाएगी।
पिंकी। चलो पिंकी का मजाक शुरू हो। पिंकी सही था। उस घर में आसेब नहीं बल्कि यह आसेबी साया लैला पिंकी के पीछे। शक तो मुझे उस रात को ही हो गया था जब मैंने पिंकी के हाथ में वो अंगूठी देखी। तुम यहां खुद थोड़ी ना आई हो। लाई गई ये अंगूठी तुम्हें याद है। मामला संगीन। मुझे पिंकी के घर जाना होगा। कि मुझे कॉल कर रहा है।
हेलो एसन, कैसी हो सिद्रा? तुम कैसे हो? झुलस रहा हूँ, आगे के कम होने का नाम ही नहीं लेते। हंगारों को हवा दोगे तो आग तो भड़केगी ना। कुछ चीजों को हमें किस्मत का लिखा समझ के तस्लीम कर लेना चाहिए। नहीं, मैं अपनी किस्मत खुद बनाने पे यकीन करता हूँ। भूल जाओ गुड़िया को, जो रास्ता हमारी मंजिल को नहीं जाता उसमें भटकने का क्या फायदा। तुम भूल पाई एहसान को? पता नहीं, हाँ मगर ये जरूर जानती हूँ जो ख्वाब बनकर कभी इन आंखों में बसता था आज रोग बनकर मेरे दिमाग से चिपमट सा गया है। क्यों जख्मों को ताजा कर रहे हो मेरे अपने, कोई और बात करो। तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ तो मिलते हैं ना कल यूनिवर्सिटी में। नहीं, मैं तुम्हें पिक करता हूँ शाम को। ठीक है, वापस। आसिफ खुद को इतनी जल्दी जाहिर कर देगा मुझे अंदाजा नहीं था। आप लोगों को धमकाना चाह रहा है ताकि उसके और पिंकी के बीच में कोई ना हो। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो है कौन, चाहता क्या और पिंकी के पीछे हाथ धोकर पड़ा क्यों। वो एक जिन, और बहुत ताकतवर जिन। पिंकी उसके असर में है, उसका पिंकी से पीछा छुड़ाना आसान नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या होगा हमारी पिंकी का, कैसे ठीक होगी वो? इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। एक माह के बाद मेरी बेटी गुड़िया की शादी है, क्या उसकी शादी से पहले इस मामले को छेड़ना सही रहेगा? राशिद साहब, मुसीबत अगर सामने हो तो क्या कबूतर की तरह आंख बंद कर लेने से मुसीबत टल जाती? नहीं, मुसीबत का सामना करना होता है। मेरे पास इसका हल है। ये एक महीना खैरियत से गुजर जाए और शादी की तैयारियां भी हो जाए, इसका हल है मेरे पास। आप लोग पिंकी के सामने जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी उस पर गुजरी, उसका जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा माहौल रखेंगे घर का जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और ये पिंकी को पहना दीजिए। और आप पिंकी की ज्वेलरी में एक नीले रंग के पत्थर की अंगूठी ढूंढ, और हर हाल में वो अंगूठी मुझे लाकर दे, क्योंकि वो अंगूठी उस जिन को वापस आने में मदद कर सकती है। तो मुझे हर हालत में वो अंगूठी चाहिए। मैं पिंकी की ज्वेलरी चेक करके आपको भिजवाती हूँ। अब मुझे इजाजत दीजिए, और राशिद साहब परेशान मत हो, शादी की तैयारियां शुरू कीजिए।
क्या हुआ है? फिर नील कैसे आए? कुछ याद नहीं है कि मां क्या हुआ? पिंकी, कुछ भी तो नहीं हुआ है। वो तुम खाना खा रही थी डाइनिंग टेबल पर, तुम्हारा बीपी लो हुआ और तुम गिर गई। शायद ये निशान भी उसी वक्त। किन बातों में लज गई हैं आप? आपी गुड़िया, आपी की शादी की तैयारियां चल रही हैं घर में। बाजार जाएं, शॉपिंग करें। लोग कुछ छुपा रहे हो मुझसे, मैं जानती हूँ। आपकी सुई तो उसी बात पर डग गई है। Nothing happened। क्यों गुड़िया आपी? हाँ, आओ जरा उसकी ज्वेलरी में चेक करो, कुछ नजर आए तो मुझे बताना। हाँ, ये बॉक्स है ना, इसमें देखते हैं। है ना जी? ये एक अंगूठी ये नजर आ रही है, इसके अलावा पिंकी की वो अंगूठी ढूंढो जिसमें नीलम लगा हुआ था। हना बजी, आपको मालूम नहीं है कि वो अंगूठी तो मैंने दफना दी थी। फिर तलाल हमसे उस अंगूठी के बारे में क्यों पूछ रहा? अरे उन्हें थोड़ी पता है कि वो अंगूठी मैंने दफनाई है। तलाल को उस अंगूठी के बारे में पता कैसे चला? हना बाजी, आम लोगों को सब पता चल जाता है। खैर आप फिक्र नहीं करें, मैंने वो अंगूठी ठिकाने लगा दी है। अच्छा, तुम इसे जैसा था वैसे करके रखो, मैं ये लेके जाती हूँ। हाँ हाँ, चल जी। कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आते? कौन है? क्या करना चाहिए मुझे? क्या मुझे ऐसन की बात मान लेनी चाहिए? कुछ गलत तो नहीं कह रहा ऐसन? मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। खुशियां किसी की मिरास नहीं होती। मेरा और ऐसन का भी तो इन खुशियों पर हक है।
मैं बाजी खेले बगैर क्यों हार मान लूं? आगे मुझे कुछ तो करना चाहिए। आगे मेरा नसीब, कम से कम ये अरमान तो नहीं रहेगा ना कि मैंने कोशिश ही नहीं की। सिद्रा, क्या हुआ? वो नींद नहीं आ रही थी मुझे। सोचा जी, मिसेस एसन, वो तो मैं टाइम पे डिलीवर करवा दूंगी, लेकिन अगर आप अगली बार ऑर्डर करें ना तो थोड़ा पहले बता दीजिएगा, आसानी हो जाएगी। खुदा हाफिज। बहुत परेशान हूँ मैं सिद्रा की तरफ से। क्यों, क्या बात हुई? पहले जैसी नहीं रही सिद्रा, आपने नोटिस नहीं किया? हाँ, उलझी उलझी है, खोई खोई रहती है कहीं। सकता है पढ़ाई की टेंशन? पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं, कोई और बात है जो वो हमसे शेयर नहीं कर रही और अंदर ही अंदर घुलती रहती है। बेटा, तुम बहन हो उसकी, वो भी बड़ी, प्यार से बिठा के पूछो, तुम्हें तो बता देगी ना। कितनी बार कोशिश की है मैंने उससे बात करने की, उससे पूछने की, लेकिन हर बार टाल देती है। मैं पिंकी और गुड़िया से पूछूंगी, हो सकता है यूनिवर्सिटी में कोई मसला चल रहा हो। हमें ना बता रही हो बेटा, छुपा रही हो हमसे। हेलो। जी जी, आपका ऑर्डर बिल्कुल रेडी है, बस जैसे ही राइडर आता है ना मैं आपको भिजवा देती हूँ। आप यहाँ? शॉपिंग करने आया था, आपको आपकी फैमिली के साथ देखा तो सोचा कि मिलता चलो। अच्छा किया। आपकी फैमिली में कोई शादी? जी, मेरी बहन की शादी हो रही है, मुझे आपको इनवाइट भी करना है। लेकिन फिलहाल मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आप कई दिनों से मेरा घर देखने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, तो कल आप आइए, हम लोग साथ में खाना खाएं। फिरोज, किसी और दिन। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी लाला, कल आइए साथ में खाना खाएं। चले, मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, आना होगा। अच्छा, फिलहाल आप आके मेरी बहन से तो मिलिए। नहीं, फिलहाल मेरा कोई इंतजार कर। ओके।